झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के मामले में विधायक सरयू राय ने महत्वपूर्ण बातें कही है। दामोदर महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे विधायक सरयू राय ने कहा कि चुनाव आयोग खुद कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि चुनाव आयोग अनुशंसा करता है। चुनाव आयोग का काम है नोटिस भेजना, यदि कहीं से शिकायत होगी तो नोटिस भेजेगा ही, कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर समक्ष न्यायालय है, पूरी प्रक्रिया होती है। इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वह भी सही है और दूसरे लोग जो कह रहे हैं वह भी सही है। दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी के पर्यटन विकास के मुद्दे पर विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि चूल्हा पानी के पर्यटन विकास को लेकर काम वहीं किया जाए जिससे वहां के प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर कैफेटेरिया बना दिया जाता है, रेस्ट हाउस बना दिया जाता है जिससे वहां का प्राकृतिक सौंदर्य खत्म होने लगता है। इस प्रकार का काम नहीं करते हुए इको फ्रेंडली रूप से इसका विकास करना ही बेहतर है। चूल्हा पानी पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह और ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को भी नोटिस भेजा है, बसंत सोरेन को भी भेजा है, उसके जो शिकायत जाएगी उसका काम है नोटिस भेजना। अब नोटिस के बाद जो दबाव जवाब देंगे लोग उसमें गुण दोष के आधार पर निर्णय होगा। चुनाव आयोग कोई निर्णय अपने नहीं लेता है, वो अनुशंसा करता है। राज्यपाल अगर कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय से जिसको इत्तेफाक नहीं है उसके ऊपर कोर्ट बना हुआ है, लंबी लड़ाई है इसकी। निशिकांत जी जो कह रहे हैं वह भी सही है और जो प्रतिक्रिया अन्य लोगों की है वह भी सही है। विचार होगा गुण दोष पर, गुण दोष के आधार पर ही सारे इन मुद्दों का फैसला होगा। पर्यटन स्थल की घोषणा तो हो गई है इस स्थान की, मगर पर्यटन स्थल बनना मतलब क्या होगा? मैंने सरकार के अधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर जो भी आप संरचना खड़ा करिए वो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। नहीं तो आजकल जहाँ पर्यटन स्थल घोषित होता है कैफेटेरिया बना देते हैं, दो बिल्डिंग बना देते हैं, गेस्ट हाउस बना देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे, उससे 500 मीटर नीचे तक ही गाड़ी वाड़ी खड़ा करना रखना, उसके बाद जाना हो तो आप पैदल जाइए करिए। अब देखिए क्या करते हैं ये लोग। तो पर्यटन स्थल सिद्धांत घोषित हो गया है कि अंतिम कहिए आप पहला कहिए, हम लोगों ने 2004 में यहाँ से ही आरंभ किया था हम लोगों ने दामोदर अध्ययन सह जन जागरण यात्रा। उस समय हम लोगों को कुछ पता नहीं था, जगह भी खोजा हम लोगों ने, चंदवा की तरफ से हम लोग 4-5 वर्षों तक चढ़ाई करके हर साल आते थे वहाँ। हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जो दामोदर पवित्र धारा के रूप में यहाँ से निकलते हैं, देवनत जहाँ तक हैं खलारी के पहले, उसके बाद नाम दामोदर होता है और वहीं से प्रदूषण शुरू हो जाता है। 2005-6-7-8 तक पूरे नदी में छाई ही बहती थी वहाँ। खलारी से शुरू होता था, पतरातु थर्मल आता था, रामगढ़ है, रजरप्पा कोलवासरी है, गोमिया है, स्वांग है, कथारा है, बोकारो है, धनबाद के सारी कोलवासरी अपना सीधे धोवन डालती थी नदी में। पूरे नदी में यहाँ से वहाँ तक खलारी से लेके और पंचे तक छाई ही बहता था। उन्होंने यात्रा किया, समझ में हम लोगों की बात आई। हम लोगों ने ये कहा कि नदी को साफ करने के लिए कोई स्कीम की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट हुई 2017 में, उन्हें पूछा था कि क्या है आप लोगों के दामोदर की स्थिति, तो मैंने कहा था कि हम लोग अलग विचार से चल रहे हैं। जैसे गंगा जी पर 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, गंगा जी वैसे के वैसी हैं। हम लोग का मानना है कि कोई भी नदी बरसात में हर साल अपने आप को साफ कर लेती है, उसके बाद हम गंदा करते हैं, तो हम नदी पर क्यों कृपा कर रहे हैं आपको साफ करेंगे, हम गंदा ना करें, ये कार्यक्रम किया जाए। और यही हम लोगों ने आरंभ किया, सभी से बात किया जो गंदा करने वाले थे, उनको तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने फैक्ट्री के भीतर ही गंदगी रख सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं।
तो ये हुआ है। और आज हम ये कह सकते हैं कि दामोदर 95% से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।